नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? तो शाम के 10 बज चुके हैं दोस्तों, और हम यहाँ पे आज जो हैं वो करने वाले हैं बहुत सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत। तो हम पिछले 2 साल के जो एग्जाम्स हैं, जो आपके 2017 वाला था और 2018 का जो एग्जाम है, इनको हम टारगेट लेके चलेंगे और इसके सारे क्वेश्चन जो है आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, लेट अस बिगिन। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के जो हैं लाइव टेस्ट यूट्यूब के ऊपर वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट चैनल पे चलते हैं। डिफेंस एग्जाम की अगर आप या आपके कोई मित्र तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि वो वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम को सब्सक्राइब करें, आज ही सब्सक्राइब करें, और वहाँ पे डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके छोटे भाई बहन हैं, रिश्तेदारी में हैं, कोई भी हैं, कोई जो मित्र हैं, उन्हें भी बता सकते हैं। अगर वो सीबीएसई में है, 9th to 12th अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो अनअकैडमी के ऊपर दोस्तों पढ़ सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है फॉर 9th to 12th बहुत ही नेग्लिजिबल सा प्राइस है, 100 रुपीज़ पर मंथ। तो इतने कम प्राइस के अंदर भी वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरा टोटल। चलिए, डिनर अभी करेंगे दोस्त, क्लास के बाद करेंगे। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जो बता दूं, और जो वाकई में इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ईएससी एंड गेट कैटेगरी के अंदर दोस्तों हमारी चल रही हैं बहुत सारी फ्री क्लासेस। इन फ्री क्लासेस का आप सब फायदा उठाइए। और स्पेशल जो अभी जो क्लास हमारी स्टार्ट हुई है वो कौन सी स्टार्ट हुई है? वो हुई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे हमें डर लगता है, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसके लिए हम वहां पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी ऐप ओपन करनी है। अनअकैडमी ऐप खोल के आपको वहां पे सर्च करना है संदीप जानी। जैसे ही आप संदीप जानी सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपको बस इस प्रोफाइल के यहाँ पे ये जो बटन है फॉलो, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप फॉलो पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके पास जो भी क्लास के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी ये आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और वहीं पे इसी प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको जाना है, वहां पे लिखा होगा नीचे स्पेशल क्लासेस। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक इन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ये क्लासेस जो है स्पेशल क्लासेस, दे आर टोटली फ्री। इसके अंदर अभी तक हमने बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हमने लाइव टेस्ट भी वहां पे किए हैं, साथ ही में वहां पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी हमने कंप्लीट की। और अभी जो आज शुरू किया था शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे 5 PM हमने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है इससे रिलेटेड क्लास स्टार्ट किया। आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया है तो आप वहां जाएं और उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। कल शाम को 5 बजे फिर से हम एक और स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको क्रैश कोर्स करना है एसएससी जेई का कंप्लीट क्रैश कोर्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। वहां पे आपको एसएससी कैटेगरी के अंदर कंप्लीट क्रैश कोर्स मिल जाएगा। अगर आपका टारगेट है मल्टीपल एग्जाम्स और गेट ईएससी की भी आपको तैयारी करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट ईएससी कैटेगरी के अंदर, जहां पे हम एसएससी जो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, और साथ ही में हम वहां पे आने वाले समय में कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये पेपर जो आपका, ये 2018 के अंदर वाला जो पेपर है, 2018 में 22 जनवरी को ये पेपर हुआ था, यानी कि 17 वाला एग्जाम है ये। इससे शुरू करते हैं और हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट पेपर तक हम चलते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। जल्दी से बताइए। ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, ये तो पता नहीं है दोस्त, आप ऐप क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा? राजस्थान जेई के लिए आप जो भी क्लासेस चल रही हैं अभी आप उनको अटेंड करते जाइए, सभी हेल्पफुल हैं। टेक्निकल तो सबका सेम है, सिर्फ जो अप्रोच होती है क्वेश्चन पूछने की वो डिफरेंट होती है। चलिए, चफ्स होता है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चफ्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमेन इज रिलेटेड टू पेंस्की मार्टिन टेस्ट? पेंस्की मार्टिन टेस्ट जो है उससे रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी है इनमें से, आउट ऑफ द ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी? चलिए, मोइनुद्दीन, विवेक, अमित, सोनू, वैभव, विशाल, सीमांता, नयन, अनूप, रवि, देवाशीष, अरिप्पा, सिमरन, हर्षित, मनु, प्रीति, ऋषभ, वेरी नाइस, रॉबिन, करुणेश, परफेक्ट। पोल का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, पोल का ऑप्शन आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगा। चलिए, तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो है पेंस्की मार्टिन टेस्ट से रिलेटेड है, हाईवे इंजीनियरिंग में हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट, द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेस ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ सैप वुड ओवर द वोन्स आफ्टर इट्स ब्रांच इज कट ऑफ। यानी कि आपने क्या किया, कोई पेड़ था, उस पेड़ की कोई एक ब्रांच जो थी, उस ब्रांच को आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। यहाँ से जब ब्रांच को आपने कट कर दिया तो क्या हो जाता है, उस पर स्वेलिंग आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिया, देवरूप, सोमेश, अनिल, आमिर, फरीन, अंजरूल, फरीन, निवेदिता, अनिल, परफेक्ट, बिल्कुल सही, सभी का करेक्ट आंसर है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आप सब लोग एग्री करते हैं तो देखो, क्योंकि ये पेपर जो है ना, आप सब में से किसी ना किसी फॉर्म में हमने इनको पहले भी कर रखा है, ठीक है। अभी हम इनको क्यों कर रहे हैं, अभी हम इनको इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रिवाइज कर पाएं फटाफट, हम पूरे पेपर, हमारे पास एक क्लास हो जाए जिसमें हम सारे पेपर्स हमारे पास हो, तभी इन फ्यूचर आपको देखने पड़े। तो इसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं हम, फटाफट कर सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है। रेनगेल जो होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the measure of ease with which the wood may split? Wood जो है वो split हो जाएगी, किसको कहते हैं हम? Cleavability, बिल्कुल करेक्ट, क्लीवेबिलिटी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। यस नो, यस नो, यस नो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ टेकन बाय द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ गैसियस एफ्लुएंट्स एमिटेड फ्रॉम अ चिमनी इज कॉमनली नोन एज, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। चिमनी से जो स्मोक निकलता है उसे क्या कहते हैं, चिमनी से जो स्मोक निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लूम कहते हैं इसे हम। अगले सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट। मैच्योरिटी की बात की है ना हमने, कंक्रीट के अंदर जो मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबमिशन ऑफ किसका, किसका सबमिशन होता है, देखो रेनगेल जो बनती है ब्रांच को काटने से बनती है, और जो नॉट्स होता है वो नेचुरल, जो उसके अंदर नेचुरली बनता है, एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है। टाइम इनटू टेम्परेचर का समेशन होता है, बिल्कुल ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन है आपका परफेक्ट आंसर। द एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी शोर और रिवर्स प्रोड्यूसेस मिनिमम voids इन द कंक्रीट इज नोन एज, कौन सा एग्रीगेट होता है जो आपको सी शोर से या फिर रिवर से मिलेगा। रिवर से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे वाटर के कारण क्या होता जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, उसमें वाई 22 जैन, ये 22 जैन की डेट का पेपर है। हाँ, मेच्योरिटी के लिए डेटम टेम्परेचर जो मानते हैं वो हम मानते हैं -11 डिग्री सेल्सियस। 6 का ए होगा, परफेक्ट। ए 6 का ए बता रहे हैं आप, लास्ट का। 7th का बताइए, 7th का हो जाएगा डी, राउंडेड एग्रीगेट बिल्कुल सही है। जो रिवर्स में या फिर सी शोर पे जो आपको देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं? राउंडेड एग्रीगेट मिलते हैं। द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज, सरफेस से पेंट फिल्म का हट जाना उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं, जो भी दोस्त फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या रिसेंटली जिन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस लेनी स्टार्ट की हैं वो कृपया ध्यान दें। आप लोग साथ साथ में क्या करिए, अनअकैडमी ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप के ऊपर आपको सर्च करना है संदीप जानी, संदीप जानी आप सर्च करेंगे, वहाँ पे फॉलो पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे दिखेंगी स्पेशल क्लासेज, स्पेशल क्लासेज पे आपको जाना है और इन स्पेशल क्लासेज के अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट और जो हमारे टॉपिक जो चल रहे हैं डेली, ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप लाइव आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन अवेल बेनिफिट ऑफ इट। क्या कहते हैं इसको हम? डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म, फ्लेकिंग, बिल्कुल सही जवाब। 8 का सी हो जाएगा, फ्लेकिंग बोलते हैं इसको हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स इन द एल्कोहल? होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वुड के ऊपर यूज करते हैं हम। क्या है इनमें से? मेंस के भी क्वेश्चंस करवाएंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सब करवा देंगे। देखो क्वेश्चंस वगैरह जो भी होते हैं ना, जैसे मेंस वाले स्पेशली क्वेश्चन हो जाते हैं। मेंस के क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है? अब ये क्वेश्चन है, इसमें तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि ABCD क्या आंसर है। मेंस वालों में क्या हो जाता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। हाँ, ये बताओ कितना आया, ये बताओ कितना आया, ये बताओ। तो आप साथ साथ सॉल्व करते हैं ना, तभी आपको फायदा होगा। और वो इंटरेक्शन जो है ना, वो हमारे जो प्लस की क्लासेज है ना, उसमें ज्यादा बेटर होता है, इंस्टेंट होता है। यहाँ पे तो आप कमेंट करते हैं, वो कमेंट आता है 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड बाद में कमेंट आता है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो वहां पे इंस्टेंट जाता है। तो बस इतना बेनिफिट हो जाता है। YouTube पे टाइमिंग 10 बजे। क्या कहते हैं इसको हम? वार्निश कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, वार्निश। 9th का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ द बिटुमेन विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड बॉल अपरेटस, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल? डायमीटर ऑफ स्टील बॉल कितना कंसीडर करते हैं हम? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल? मोहम्मद सुहेल जी, सिमरन, सैफुल, सिविल इंजीनियरिंग, वैभव, शुभांशु, अर्पित, मोहन, देवरूप, रमाना, विजय, मोनिका, प्रियंका, अंजरूल, हर्षिद, आनंद, दीपक। परफेक्ट, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परफेक्ट, 0.95 होता है, सभी को पता है, हमने ये पढ़ भी रखा है पहले भी। डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल जो हम यूज करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल एज वन मूव्स फ्रॉम अर्थ वर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड? तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आपको किसके लिए पूछा है? लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल की लेंथ के लिए आपसे पूछा गया है। ये मान लीजिए आपका कोई स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये क्या हो गई? शॉर्ट वॉल। अब इसके नीचे आप ग्राउंड फ्लोर पे आप चले जाइए। ग्राउंड फ्लोर पे क्या? ग्राउंड लेवल पे या इससे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ ग्राउंड लेवल से नीचे इसकी फुटिंग स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद उसके नीचे और सेकंड फुटिंग एंड सो ऑन आप जा सकते हैं। तो आप जब नीचे बात कर रहे हैं, इस लेवल पे आप बात कर रहे हैं, तो इस पे क्या होगा? ये लॉन्ग वॉल जो है इसकी लेंथ कुछ ऐसे रही होगी, सेम तरीके से इस लॉन्ग वॉल की लेंथ कुछ ऐसी रही होगी। तो नीचे ग्राउंड लेवल से नीचे शॉर्ट वॉल जो है उसकी लेंथ कितनी थी? सिर्फ इतनी थी। कितनी थी? सिर्फ इतनी। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं, इसकी लेंथ जो है वो क्या हो गई? बढ़ गई, इट्स वैल्यू इंक्रीजेस। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट, ये भी आता है हमें सबको। बार बार मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, कल शाम को 5 बजे आप लोग प्लीज जरूर लाइव आइएगा अगर आपको SFD BMD पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, ठीक है। अनअकैडमी ऐप के ऊपर लाइव आना है आपको, जितना आप लाइव पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा आपका। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स को हम किस में मेजर करते हैं, रिवेट्स को किस में मेजर किया जाता है, रिवेट्स को मेजर करते हैं हम क्विंटल के अंदर, रिवेट्स को मेजर करेंगे क्विंटल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। समझ नहीं आया। ट्वेल्थ के अंदर क्या है, रिवेट है। रिवेट जो होती है स्टील के अंदर आप यूज करते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं उसको किस में मेजर करते हैं, क्विंटल्स में। नोटिफिकेशन नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम के ऊपर @SSRJYANI ये चैनल है, इस पर आप जाइएगा, उस पर आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स होती है मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। पुरानी क्लास अनअकैडमी में कैसे मिलेगी, पुरानी क्लास आपको ऐसे ही मिलेगी, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया। अनअकैडमी पे आप सर्च करिए संदीप जयानी, जैसे ही आप सर्च कर लेंगे उस पर फॉलो पे क्लिक करें, फॉलो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वहीं पे दिख जाएंगी नीचे लिखा हुआ स्पेशल क्लासेस, एक साइड लिखा होगा प्लस क्लास, एक लिखा होगा स्पेशल क्लास, तो स्पेशल क्लास पे क्लिक करना और उसके नीचे क्या लिखा होगा, व्यू ऑल। तो जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो शुरू से लेके अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं सारी आपको दिख जाएंगे वहां पे। तो 13 का ए करेक्ट आंसर बता रहे हैं आप सब लोग, और आंसर क्या है, बैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ। बैंड मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, उसके हम क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ब्रिक वॉल के अंदर, मैसनरी के अंदर ही क्या प्रोवाइड कर देते हैं, बैंड्स प्रोवाइड कर देते हैं इसको लेटरली सपोर्ट करने के लिए। तो इनकी अगर विड्थ स्पेसिफाइड होती है तो इसको हम रनिंग मीटर में, लेंथ में हम इसको मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। तो प्लिंथ एरिया के अंदर कौन सा नहीं इनमें से मेजर करते हैं। तो दोस्तों हमने ये चीज पहले भी बात की थी, फॉलोइंग एरियाज आर नॉट इंक्लूडेड, एरिया ऑफ लॉफ्ट, एरिया ऑफ लॉफ्ट्स को हम नहीं इंक्लूड करते हैं। कोई एक रूम है मान लीजिए, इसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक जैसे शेल्फ टाइप का दूसरा, इसके अंदर आपने एक स्लैब बना दी, तो वो आप क्या बोलते हैं, लॉफ्ट बोल देते हैं उसको, इसको आप इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हो जाएगा, इसको इंक्लूड हम नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर फॉर डिजाइन पर्पस इफ द टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0.7 MPa इज। जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे जाए, और आगे आने वाले सालों में भी इससे रिलेटेड सवाल जो है वो पूछा जाएगा, जहां पे भी आपको रिजिडिटी फैक्टर दिखाई दे जाए ना, अगर याद ना रहे तो ये देख लेना आप, जहां पे ग्रेटर लिखा हो ना तो आपका आंसर होगा लेस वाला, और जहां पे लेस लिखा हो वहां पे आंसर होगा ग्रेटर वाला, उल्टा याद कर लो इसका। तो आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर आपको टायर प्रेशर ग्रेटर देन 0.7 MPa दे रखा है तो आपका रिजिडिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। हाईवे में बात की थी। (15) नहीं पढ़ा, आप हाईवे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। लेस देन 1, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेडिंग इन द आयरन इज मेजर्ड इन। कोई भी चीज की आप थ्रेडिंग करवाते हैं, जैसे थ्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए स्क्रू होता है, तो स्क्रू के ऊपर क्या बना होता है, ऐसा कुछ अगर आपके पास स्क्रू है तो इसके ऊपर ऐसे थ्रेडिंग बनी होती है, तो थ्रेडिंग को हम किसमें मेजर करते हैं। चीट कोड, कभी कभी तो ना हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती है ना, हमेशा सारी चीजें ऐसे नहीं होती ना हम परफेक्टली अब हर कुछ याद रख पाए, तो कभी कभी कुछ चीजों के अंदर हमें ऐसे चीजें ऐसे रिलेट कर लेते हैं तो वो बाद में हमें याद रह जाती हैं। मार्कर कोई और कलर का यूज करें, ये लीजिए दोस्त, अपने तो इको फ्रेंडली मार्कर है, कब मर्जी कलर चेंज कर लो। डन। कल कौन सा होगा, अभी कुछ दिन अपने क्वेश्चन ही करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करेंगे अभी कुछ दिन, और अनअकैडमी के ऊपर मैंने आपको बता दिया SFD BMD कर रहे हैं। मई स्टार्टिंग में अपने फिर कुछ नया स्केड्यूल लेके आएंगे, मई के स्टार्टिंग में, तब आपको बताएंगे कि कब क्या क्या होगा। हाँ जी, थ्रेडिंग इन आयरन किस में मेजर करते हैं आप, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Calculate the cost of 100 mm thick brick lining of a septic tank of size 5 meter, 3 meter, 1.5 meter if the rate of lining is 200 पर स्क्वायर मीटर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जो डायमेंशन है, ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एस्टिमेशन के अंदर। आपको क्या करना है, ये बेस वाला एरिया, चार साइडों के एरिया, ये आपको कैलकुलेट करने हैं, यही करना है आपको। तो 5 × 3 × 1.5, तो आपके पास चार फेस तो किसके हो जाएंगे, ये हम पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करो। चार फेस तो ये हो जाएंगे, इनका एरिया कैलकुलेट करो, एक बेस का कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ कितना आएगा आंसर आपके पास। सेवन एट डबल जीरो आ जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। पीडीएफ की चिंता ज्यादा सताती है। 7800 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बता दो, किसी को दिक्कत है क्या? चार साइड्स में और बेस में भी करेंगे, बेस पे भी करेंगे। चलो परफेक्ट, आगे बढ़ेंगे। चारों साइड्स और बेस दोनों, बेस जो है उसका आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट द एनुअल परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन यूजिंग द कांस्टेंट परसेंटेज मेथड इफ द परचेजिंग कॉस्ट इज 12,000 एंड स्क्रैप इज 3,000। आपको क्या करना है, 12,000 में मशीन खरीदी, लास्ट में जाके स्क्रैप में कितने में बिकी, 3,000 में बिकी, तो आपके पास रेट क्या आ गया, 9,000। उसका जो वैल्यू है वो गिर गया, डेप्रीसिएशन हो गया। 9,000 जो है वो कितने सालों में गिरा, 8 सालों में, तो एक साल की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, वो आ जाएगी 1125, यही आएगी। आ जाएगा। करा दीजिए, ये लो ना, 1125 आ गया आपके पास। ये आ गया डेप्रीसिएशन कितना, एक साल में, ये कितना आया डेप्रीसिएशन एक साल का। देखो 12,000 उसका प्राइस था, 12,000 उसका प्राइस था। 8 साल बाद क्या हुआ, वो स्क्रैप में बिकी, स्क्रैप वैल्यू में बिकी 3,000 की, तो आपको टोटल डेप्रीसिएशन कितने का मिला, 9,000 का। यानी कि 9,000 की जो गिरावट आई, कमी उसकी जो रेट में, वो कितने सालों में आई, 8 सालों में आई। तो एक साल में कितनी गिरावट आई, आपने कैलकुलेट कर लिया 9,000/8, तो वो आ गया 1125। अब आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में एक साल में 1125 जो है उस इतने रुपए की डेप्रिसिएशन होता गया। ओरिजिनल प्राइस क्या था, 12,000 था, तो बस डिवाइड कर लो, इनटू 100 कर लो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9.37। पिछला क्वेश्चन भी नहीं हुआ क्या? पिछले क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं करना था। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक टैंक दे रखा है, टैंक के डायमेंशन आपको दे रखे हैं, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, ये 1.5। इस फेस का एरिया कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1.5। सेम तरीके से सामने वाले फेस का इसके 3 इंटू 1.5, इसके जो सामने ये जो फेस है। फिर इस फेस के एरिया की बात करें तो ये आ जाएगा कितना, 5 इंटू 1.5। सेम तरीके से सामने उसके 5 इंटू 1.5। तो ये कितना हो गया, 6 और 10 16, 16 इंटू 1.5 सबको ऐड कर दिया आपने तो आ जाएगा 24, और 5 दिया 15, बेस वाला जो एरिया है वो और कैलकुलेट कर लो इसके बेस का एरिया, तो वो कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, ये आ गया आपके पास 39। रेट आपको दे रखा है 200 पर स्क्वायर मीटर, तो टोटल एरिया आ गया आपके पास 39 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 200 से तो आ जाएगा 7800 रुपीज। सिंपल ही तो है। चले आगे, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द ब्रिक्स डिलीवर्ड बाय अनस्किल्ड लेबर टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन अ वर्किंग डे इज अप्रोक्सीमेटली। अब ये सारा जो सवाल है ये आपका स्पेसिफिकेशंस में आ जाता है, कितना कंसीडर करेंगे, 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज do not change with time at any given location is known as। हाँ जी बताइए, मेंस के लिए अभी क्लास, ये मेंस की नहीं है दोस्त, ये प्री की क्लास है। ऊपर देखो ना लिखा हुआ है पेपर, मेंस की भी करेंगे। ये नहीं आता, द टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी गिवन लोकेशन इज नोन एज। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सवाल की स्टेटमेंट पे जाइए, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ प्रॉपर्टी अगर चेंज नहीं हो रही तो हमने क्या बोला था, फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज, चाहे वो वेलोसिटी हो, प्रेशर हो, डेंसिटी हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ बदले ना, एट एनी गिवन सेक्शन, किसी भी एक सेक्शन के ऊपर आप खड़े हो गए। आपको मैंने बताया था ना पहले भी, किसी एक सेक्शन के ऊपर आप खड़े हो गए, इस सेक्शन पे आपने 9 बजे देखा, 10 बजे देखा, 11 बजे देखा, प्रॉपर्टी जो डेंसिटी था वो रो ही मिला आपको सब जगह, हर टाइम पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू v ही मिली, आपको प्रेशर की वैल्यू p ही मिली। अगर आप किसी और दूसरे सेक्शन पे चले गए, आपका दोस्त कोई दूसरे सेक्शन पे खड़ा था, वहां पे ऑब्जर्व कर रहा था कि पानी यहां से निकल रहा है, तो सेकंड पॉइंट के ऊपर भी उसको 9 बजे अगर रो 1 प्रॉपर्टी मिली तो 10 बजे भी उसको रो 1 मिली, 11 बजे भी उसको रो 1 मिली। तो समय के साथ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, किसी एक सेक्शन पे अगर आप खड़े हो जाते हैं तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी बोलते हैं। अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कब बोलते हैं, कि गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पूरा पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है, आपने फोटो खींच ली उसकी, आपने उसकी क्या कर ली, फोटो खींच ली, तो सब जगह आपको क्या दिखना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी दिखना चाहिए। फोटो खींचने का मतलब एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको सारी प्रॉपर्टी सेम दिखनी चाहिए। आसान तरीके में समझें अगर इसको, कि सुबह 9 बजे अगर आपने फोटो खींची तो आपको यहाँ पे सब जगह डेंसिटी रो ही दिखनी चाहिए सब सेक्शन पे, वेलोसिटी v दिखनी चाहिए सब सेक्शन पे, प्रेशर p दिखना चाहिए सब सेक्शन पे। 10 बजे आपने फोटो ली तो अब हो सकता है पहले के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, लेकिन इस समय इस इंस्टेंट पे जो है रो 1 अगर मिली डेंसिटी तो रो 1 ही रहेगी हर जगह, v1 मिली वेलोसिटी तो v1 ही रहेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैराथन में समझाया हुआ है ना, हाँ आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आपको समझ आता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती है तो इसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज ट्रावर्स इफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड ऑफ ऑल द लाइंस इज 0। तो याद करो वो दिन जब हमने लैटिट्यूड्स और डिपार्चर पढ़े थे, और बिल्कुल बेसिक सी बात वहां पे हमने बोली थी कि इन एनी क्लोज लूप ट्रावर्स इफ द वर्क इज एरर फ्री देन सम ऑफ द लैटिट्यूड्स इज इक्वल टू 0, या सम ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0, सम ऑफ नॉर्थिंग्स इक्वल्स टू सम ऑफ साउथिंग्स। ये हमने पढ़ा था वहां पे, तो बस इसी को याद करते हुए इसी सिंपल से पॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं, कि कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, द डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू। फोर बेयरिंग के बीच में और बैक बेयरिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है, किसी एक स्टेशन पे खड़े हो जाओ तो वो क्या होता है। हमने ये चीज पढ़ी है ना, हमने बात करते थे ना, एंगल्स की बात करते थे। हमने बोला ए बी सी, बी के ऊपर इंक्लूडेड एंगल पता करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, ये हमने बात की थी ना। तो हम क्या बोलते थे, जैसे इंक्लूडेड एंगल की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। इंक्लूडेड एंगल की डेफिनेशन आपको क्या बोलती है, इंक्लूडेड एंगल इज द एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन। खड़े तो उसी पॉइंट पे हो, उसी स्टेशन पे ही तो खड़े हो आप, तो वही बात हो गई। द डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू, वो इंटरनल एंगल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। यही हमने बात की थी, इंक्लूडेड एंगल इक्वल्स टू फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसमें 360 ऐड कर दो। याद आया या नहीं आया, आया सभी को? क्लियर? अनस्किल्ड वाला वो दो स्पेसिफिकेशंस के अंदर पढ़िए, सीपीडब्ल्यूडी की साइट पे जाइए, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करिए, पढ़िए वहां से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द थियोडोलाइट इज प्रॉपरली एडजस्टेड। थियोडोलाइट जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया जाता है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो थियोडोलाइट एडजस्टमेंट जो है, थियोडोलाइट जो है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रॉपर अलाइंड होना चाहिए, यही होगा। ठीक है, चलो। सो टेंजेंट टू, जो प्लेट बबल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, वर्टिकल एक्सिस के, मतलब जो प्लेट है वो एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अलाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट, आगे, Which of the following test is used to make the horizontal axis perpendicular to the vertical axis? अब यहाँ पे जो सवाल पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं थियोडोलाइट से रिलेटेड। तो थियोडोलाइट में आपको मैंने एक पीडीएफ के अंदर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों, क्लास में भी मैंने बोल रखा है, लिमिटेड से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन की फॉर्म में आप उसको याद कर लीजिए थियोडोलाइट को। तो इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट आर द परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ द थियोडोलाइट। तो इसमें जो तीसरा एडजस्टमेंट था वो था स्पायर टेस्ट। कौन सा टेस्ट, स्पायर टेस्ट। और इसमें हमने क्या बोला, एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एडजस्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्पायर टेस्ट कहते हैं। क्लियर? आपसे ये भी सवाल पूछता है, व्हाट इज एनालिटिक लेंस। क्रॉस हेयर टेस्ट किसके लिए करते हैं, लाइन ऑफ साइट के लिए करते हैं। प्लेट लेवल जो टेस्ट होता है वो तो नाम ही बता रहा है आपको। फिर टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इनके ऊपर सवाल बनते ही हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। फॉर मोर प्रिसीजन प्रिडिक्शन ऑफ द टेरेन रिलीफ द कंटूर इंटरवल शुड। आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग प्रोवाइड करनी है। हमने बात की थी ना, कंटूर जो है, जब आप कंटूर्स बनाते हो तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप जो कंटूर्स हैं, आपका बजट क्या है, किस पर्पस के लिए आप इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर रहे हो, ये सर्वे क्यों करवा रहे हो आप। तो जितना ज्यादा डिटेल चाहिए आपको, उतना ही ज्यादा कंटूर लाइंस को पास पास करके आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जितनी डिटेलिंग आपको चाहिए है ना, तो उतना ही पास पास आपको करना पड़ेगा। कंटूर लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, कंटूर लाइन ये रिप्रेजेंट करती है सेम एलिवेशन के जो पॉइंट्स होते हैं, सेम एलिवेशन के जो पॉइंट्स होते हैं। कंटूर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, सेम एलिवेशन के जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं तो कंटूर लाइन फॉर्म हो जाती है। अब जितनी पास पास कंटूर लाइंस होंगी, उतना ही ज्यादा वो डिटेल प्रोवाइड कर रही है ना किसी एक एरिया की। मान लीजिए ये हिल है, ठीक है, इस हिल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने कंटूर लाइन एक ड्रॉ कर ली, फिर आपने यहाँ एक कंटूर लाइन ड्रॉ कर ली, फिर आपने यहाँ एक कंटूर लाइन ड्रॉ कर ली, एंड सो ऑन आप प्रोसीड कर रहे हो। अगर आप ये कंटूर लाइंस जो है वो क्या करेंगे, पास पास अगर आप प्लॉट करेंगे तो ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी आपको उसके बारे में, वहां के बारे में ज्यादा डिटेल मिलेंगी आपको। सो फॉर मोर प्रिसीजन जो कंटूर इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो कंटूर इंटरवल किस किस पे डिपेंड करता है, स्केल ऑफ द मैप पे, पर्पस ऑफ द मैप, नेचर ऑफ ग्राउंड, टाइम क्या है, पैसे आपके पास इतने हैं या नहीं है कि आप इतना डिटेल में करवा सकते हो, तो ये सारी चीजें इन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द फ्रॉड नंबर ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज 3.2, किसी हाइड्रोलिक जंप का फ्रॉड नंबर जो है वो कितना है, 3.2 है। द टाइप ऑफ जंप इज, इस जंप का नाम क्या होता है। अब देखो फ्रॉड नंबर के लिए कुछ कुछ चीजें ना हमें समझनी होंगी कि क्या क्या चीजें हमें याद करनी है। ये फ्रॉड नंबर वाले पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 17 में भी आया, 18 में भी आया, और बोल के ही बताया था कि आता है, तो इन क्वेश्चंस को पक्का कर लेना है। यहाँ पे हमारा मतलब क्या है, इन क्वेश्चंस के आसपास कोई क्वेश्चंस बने तो वो हमसे चूकने नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं यहाँ पे। आईसीएसई में 10th में ही पढ़ा देते हैं, अच्छी बात है, चलो पढ़ा देते हैं। तो चलो, ऑसिलेटिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि आपने याद कर रखा है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपने आप सब स्कॉलर्स हैं, आपको सब आता है। सो अनड्यूलर जंप कब बोलते हैं, फ्रॉड नंबर की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 1.7 के बीच में लाया करती है। वीक जंप कब बोलते हैं, 1.7 से 2.5 के बीच में लाया करती है। और एक ना आप सभी मित्रों से मेरी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप सब मान पाए, आप एक काम करना, आप मैराथन जो सारी क्लासेस है ना वो आप प्लीज टाइम टू टाइम आप देखते रहा करें, ठीक है। मैराथन क्लासेस को आप देखते रहें, कुछ भी नहीं करना आपको, आप वाईफाई स्टडी के चैनल पे जाके आप वहां पे देख सकते हैं मैराथन क्लासेस। अगर आपको ढूंढने में जोर आता है तो आप यूट्यूब पे ही सर्च कर लेना दोस्तों, संदीप ज्ञानी नाम से सर्च कर लेना, मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी मैराथन क्लासेस हैं। अगर आपको यूट्यूब पे भी सर्च करने में अगर आपको जोर आता है तो आप एक सिंपल सा कष्ट कर लेना, टेलीग्राम के ऊपर @SSRJYANI इसके ऊपर जाना, ये चैनल है, यहाँ पे इस चैनल पे जाना, वहां पे भी मैंने लिंक दे रखा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जितनी भी मैराथन क्लासेस हुई हैं, जितनी भी जो कंबाइंड वाली क्लासेस हुई हैं ना, आपको सारी दिख जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो उनपे बस क्लिक करना है, पढ़ते जाना है। और ये क्लासेस के जो लिंक्स और हैं वो मैं और सिंप्लीफाइड वे में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि टाइम टू टाइम जब भी आपको रिवाइज करने का मन करे तब आप कर पाए वहां से, ठीक है। चलो, हाँ जी, आप सभी ने देखा, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, ठीक है। कुछ कुछ दोस्त जो आते हैं जो नए होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है, जिन्हें अब पता लगा है, या जो पहले ऑफलाइन पढ़ रहे थे या अब ऑनलाइन उन्होंने पढ़ना जस्ट अब शुरू किया है, तो उनके लिए कभी कभी बताना पड़ता है, बहुत सारे नए दोस्त भी होते हैं। वीक जंप की बात करें, वीक जंप फ्रॉड नंबर 1.7 से लेके 2.5 के बीच में होगा। ऑसिलेटिंग 2.5 से 4.5, स्टेडी जंप जो है वो 4.5 से लेके 9। उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग, वो होता है ग्रेटर देन 9। तो आपका जो ऑप्शन है उसमें पूछा है 3.2, तो 3.2 किसके बीच में लाई कर रहा है, ऑसिलेटिंग जंप की कंडीशन के बीच में लाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉइल का मैराथन मैं करवा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना मैराथन मजा पता कब आता है, जब स्मार्ट बोर्ड होता है, आप खड़े होके पढ़ा रहे हैं, तो चाहे 8-10 घंटे लगातार पढ़ा लो, कोई दिक्कत ही नहीं आती उसमें। जहां पे भी इंटरेक्शन होता रहता है ना, वहां पे दिक्कत नहीं आती, वहां मजा आता रहता है। अब मैराथन क्लास होगी ना, मैराथन क्लास में बैठ के थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वी कैन ट्राई। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो अपने करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सब सब्जेक्ट्स की कर लेंगे अपने, उसको छोड़ेंगे नहीं, सब करेंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल श्रिंक फैक्टर से है या श्रंक स्केल से रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ये हमने पहले YouTube पे नहीं हुआ है, ये प्लस वगैरह में तो कर लिया है हमने, YouTube पे नहीं हुआ है, तो श्रंक स्केल का हम कर लेते हैं। सर्वेइंग से रिलेटेड ये टॉपिक है, जो दोस्त नए हैं वो सुन लीजिए, सर्वेइंग या सर्वे जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। श्रंक स्केल मतलब क्या, आपने एक ड्राइंग बनाई, ठीक है, आपने क्या किया, एक ड्राइंग बनाई, या फिर आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए आपके दादाजी या फिर उनके जो फोर फादर्स हैं उन्होंने आपके लिए कोई खजाना जो है वो रख रखा है, और उन्होंने आपको मैप दिया कि हाँ बेटा ये मैप है, इसको रेफर कर लेना, और इस मैप में बता रखा है कि कहाँ पे खजाना छुपा है। अब वो जो मैप बना है वो 300 साल 400 साल पुराना है, तो क्या हो गया, विद टाइम क्या होता है, विद टाइम क्या होने लग जाता है, वो श्रिंक होने लग जाता श्रंक होने लग जाएगा, सिकुड़ने लग जाता है। तो जो डायमेंशंस बता रखी होती हैं उसमें, जो डायमेंशंस बता रखी होती हैं उस ड्राइंग के अंदर, वो डायमेंशंस भी छोटी बड़ी हो जाएंगी। आपने इसमें स्केलिंग करके बता रखा होगा, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर है मान लो, तो ये आपने स्पेसिफाई करके बता दिया। लेकिन ये जो 1 सेंटीमीटर है, अब ये एक्चुअल में कम भी तो हो गया होगा, आप स्केलिंग कैसे करेंगे उसकी, है ना। तो इसी का करेक्शन अप्लाई करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, श्रंक स्केल जो है इसका आप यूज करते हैं। तो श्रंक स्केल जो है वो किसके बराबर आता है, जितना श्रिंकेज फैक्टर होता है इनटू ओरिजिनल स्केल। अब श्रिंकेज फैक्टर या फिर श्रिंकेज रेशियो किसको बोलते हैं, जितना श्रंक हो गई लेंथ और जितना एक्चुअल थी, जितना सिकुड़ के लेंथ हो गई है, श्रंक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। सो इफ ग्राफिकल स्केल इज नॉट ड्रॉन ऑन द प्लान and the sheet on which the plan is drawn shrinks due to variation of the atmospheric condition, it becomes essential to find out the shrunk scale of the plan. तो shrunk scale जो है वो पता करना जरूरी हो जाता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, पहला shrunk scale जो है वो किसके बराबर होता है, shrinkage factor को multiply करना है original scale से। shrinkage factor किसके बराबर होता है, shrunk length upon actual length। ये दो फॉर्मूला जल्दी से नोटबुक में लिख लीजिए, YouTube पे करवाया है मैंने, ओके देन इट इज फाइन। दोस्त मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा था आज कि मैंने नहीं करवा रखा, इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ क्वेश्चन करने में फिर प्रॉब्लम ना हो। देख लिया सभी ने, चलो। और जिन दोस्तों ने लाइक करने में, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी कर रखी है दोस्त, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, मत करिए, बाद में कमेंट करके बता देना कि सर ये वाली चीज अच्छी नहीं लग रही, ये चेंज कर लो, फिर लाइक करेंगे। तो अगर सही होगा आपका सजेशन तो मान लेंगे दोस्त। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दो। एग्जाम्पल बताया ना कि आपका जो मैप था बहुत पुराना मैप है, श्रिंक हो गया वो। आपने मैप के अंदर तो मान लीजिए एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बना रखी थी। फिल्मों में नहीं होता क्या कि मैप है आपके पास, तो आपको पता लगा कि हाँ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे वहाँ पे आपको खजाना मिलेगा, खजाने के आसपास माइंस बिछा रखी हैं, तो अगर आपने इधर उधर पैर रख दिया तो वो फट जाएंगी। तो आपको पूरा प्रॉपर प्रिसीजन रखना है, उसी पॉइंट पे जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। तो मान लीजिए ये बहुत पुराना मैप है, तो क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर वाली लाइन अब ये 9.5 सेंटीमीटर ही दिखने लग गई। अब पता लगा आपने 9.5 को रेफर करके 9.5 सेंटीमीटर इसी को आपने रिड्यूस कर दिया, स्केल यही लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, आप गलत डिस्टेंस पे पहुंच गए, है ना। ठीक है, चलो। तो ये दो फॉर्मूले आप सभी ने लिख लिए हो गए, आई होप सो। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है, इफ द श्रिंकेज फैक्टर इज 15/16, आपको श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, इफ द श्रिंकेज फैक्टर इज 15/16, द ओरिजिनल स्केल इज 1/1500, देन द श्रंक स्केल विल बी। आपसे श्रंक स्केल की वैल्यू पूछी है, बताइए जल्दी से। सर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स सर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये मेरे भाई, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप गूगल करेंगे उस पर भी मिल जाएगा। और ये मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा, ये जनरेटेड क्वेश्चन इस पेपर के हो जाएंगे, मैं ये अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। चलो बताइए जल्दी से, डिप्लोमा का कब होगा बैच स्टार्ट। दोस्त अभी जो क्लासेस चल रही है ना, मैंने आपको ऑप्शन बता दिए सारे। एसएससी का अगर आपको क्रैश कोर्स करना है, उसके अंदर आपका जो भी आप स्टेट, चाहे राजस्थान की बात करें, किसी की भी बात करें, सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल होगा वो। तो वहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर ही हो रहे हैं। अगर आपको सिर्फ पढ़ना है डिप्लोमा के लिए तो उल्टे कम सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं आपको, आपको पूरे के पूरे टेक्निकल पढ़ने ही नहीं है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा है वहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी बता रहे हैं करेक्ट आंसर। चलते हैं एक बार ऑप्शन की तरफ, सी बिल्कुल करेक्ट है। श्रंक स्केल किसके बराबर होता है, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। श्रिंकेज फैक्टर आपको दे रखा है 15/16, 15/16। ओरिजिनल स्केल आपको कितना दे रखा है, 1/1500, 1/1500। तो श्रंक स्केल आ गया आपके पास 1/1600, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 16 मीटर के बराबर आ गया। किसी को कोई आपत्ति, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, नहीं है। चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल थोड़ा थियोरिटिकल क्वेश्चन है, बस समझने के लिए कि क्या कर रहे हैं हम यहां पे। द एरिया ऑफ प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि आपको यहां पे ओरिजिनल स्केल क्या दे रखा है, ओरिजिनल स्केल की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर है। यानी कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, सेंटीमीटर में, तो 1/1000 आ जाएगा आपके पास। अब आप बात करेंगे ओरिजिनल एरिया आपको कितना दे रखा है, द एरिया ऑफ द प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर नाउ मेजर्स 100.2 सेंटीमीटर एज फाउंड बाय द प्लानीमीटर। प्लानीमीटर से आप जो है एरिया मेजर कर सकते हैं प्लान के ऊपर। दिस प्लान इज फाउंड टू हैव श्रंक सो दैट द लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर्स 9.7 सेंटीमीटर ओनली। 10 मीटर आपने कैलकुलेट भी कर लिया। कब तक चलेगी क्लास? क्लास ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एरिया की अगर बात करें तो एरिया आपका कितना है, 100.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द प्लान इज फाउंड टू हैव श्रंक, प्लान जो है वो श्रंक हो गया। वो कितना श्रंक हो गया, 10 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो कितने में मेजर कर रही है, 9.7 पे मेजर कर रही है। तो आपको बताया था श्रिंकेज फैक्टर किसके बराबर होता है, श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर देखिए एक बार पीछे जाके, श्रिंकेज फैक्टर जो था वो किसके बराबर था, श्रंक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो श्रंक लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 9.7, एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10, तो आगे आपके पास 0.97 आ गया श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर आपके पास ये आ गया। तो आपको ये पूछा है कि व्हाट इज द श्रंक स्केल। अब श्रंक स्केल के फॉर्मूले पे जाओ, श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। तो बस ऑप्शन ए श्रंक स्केल किसके बराबर होता है, श्रंक स्केल, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। तो श्रिंकेज फैक्टर आ गया 0.97 इनटू ओरिजिनल स्केल आपके पास कितना था, 1/1000, 1/1000। आंसर बता दीजिए कितना आ जाएगा, 0.12397 यही आएगा। या फिर आप इसको प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं 1/something वाले फॉर्म में, इतना आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी, बात करेंगे हाइड्रोलॉजी की भी। आगे बात करिए, ये तो आगे आपके पास श्रंक स्केल आपका कितना आ रहा है। अब आपको क्या कह रहा है, प्रेजेंट लेंथ जो है 9.7 सेंटीमीटर की, 9.7 सेंटीमीटर प्रेजेंट लेंथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 सेंटीमीटर जो पुरानी थी या 10 सेंटीमीटर ओरिजिनल जो थी, 10 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ को। जिनको समझ नहीं आया मैं दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन जो समझ रहे हैं दोस्त उनको अभी थोड़ा कंटिन्यू करने दो, मैं लास्ट में फिर से सम अप कर दूंगा। 9.7 सेंटीमीटर की जो लेंथ है जो आज के टाइम पे है, क्योंकि वो श्रिंक हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, वो ओरिजिनल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 सेंटीमीटर की ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये समझ में आ रहा है आपको, है ना? ठीक है, तो यहां से आप क्या रिड्यूस कर सकते हो, यहां से आप क्या रिड्यूस कर सकते हो कि अगर आज के समय की 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, आज के टाइम की 1 सेंटीमीटर की लेंथ वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो 10/9.7 सेंटीमीटर किसकी, ओरिजिनल के, यही करेगा। तो इसी को आपको यूज करना है। इसी को आपको यूज करना है। कैसे कैसे यूज करना है आपको कि प्रेजेंट 100.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या करेगा, इज इक्विवेलेंट टू 100.2। अब ये तो लेंथ के लिए हमने 100/9.7 यूज किया, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि हम यूज करेंगे यहां पे 10/9.7 इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ये सॉल्व करने पर? ये सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 106.49। अब ये जो एरिया आया है ये आया है ओरिजिनल एरिया जितना प्लान पे था। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे, फील्ड का एरिया आपसे पूछा है, तो फील्ड का एरिया आप कैसे बताएंगे? मैं इस पेज पे कर रहा हूं, आप इसको इग्नोर कर देना इस क्वेश्चन को अभी के लिए, मैं इस पेज पे इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। इस पे हम कैसे करेंगे, आपको पूछा है यहां पे एरिया, ट्रू एरिया ऑन फील्ड पूछा है, फील्ड के ऊपर ट्रू एरिया आपको पता करना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 106 जो है 0.49। ये तो आपने एरिया कैलकुलेट किया किस पे, ड्राइंग पे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो भी सूटेबल स्केल है। स्केल कितना आपको दे रखा था, ओरिजिनल स्केल जो था वो था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर ओरिजिनल स्केल था। तो यानी कि जो स्केल था वो आपका क्या था, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपका एरिया है किसमें, मैप पे या जो आपकी ड्राइंग है उसके ऊपर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, क्योंकि सेंटीमीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर वाले में, तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए तो 10649 फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। अब एक बार मैं फिर से समराइज कर रहा हूं जिन दोस्तों को समझ नहीं आया। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले आपको दे रखा है ओरिजिनल स्केल, शुरुआत में जब मैप बनाया होगा, ड्राइंग बनाई होगी कभी, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर को रिप्रेजेंट करता था, ये ओरिजिनल स्केल था। अगर हम बात करें नाउ मेजर्स, अब जो एरिया आया जो आपने आज के समय पे आपने पता किया वो एरिया है कितना 100.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के समय पे जो आपने एरिया जो है वो क्या किया आपने, यहाँ पे इसको ओरिजिनल एरिया मत लिखिए, प्रेजेंट एरिया लिखिए। यहाँ पे इसको क्या लिखिए, प्रेजेंट एरिया। आज के टाइम का जो एरिया है वो कितना है, 100.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर रहा हूं, सारे लोग सुनना प्लीज ध्यान से। एरिया ऑफ अ प्लान ऑफ ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर नाउ मेजर्स 100.2। पुराना जो इसका ओरिजिनल स्केल था वो कितना था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर था, यानी कि 1/1000 था। आज के समय में जो प्लान के ऊपर ड्राइंग का जो एरिया है वो कितना है, 100.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने श्रिंकेज फैक्टर कैलकुलेट किया, श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, ड्राइंग के ऊपर जो आपकी लाइन आज जो मेजर कर रहे हैं और जब ओरिजिनल उसको जितना बनाया गया जो उसकी लेंथ थी, तो 9.7 आज के समय उसकी लेंथ आ रही है और पुराने टाइम में ओरिजिनली ये 10 सेंटीमीटर की थी, तो श्रिंकेज फैक्टर आ गया, कितना श्रिंक हो रहा है, 0.97 आ गया। फिर आप पता कर रहे हैं श्रंक स्केल, श्रंक स्केल किसके बराबर हो जाता है, श्रिंकेज फैक्टर इनटू जो ओरिजिनल स्केल था, तो वहां से आपने ये पता कर लिया कि श्रंक स्केल कितना है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल इसको ये बोल रहे हैं 9.5 सेंटीमीटर की जो आज के समय जो लेंथ है वो ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है, जो ओरिजिनल जब ड्राइंग बनी होगी तब, यानी कि 1 सेंटीमीटर आज का 10/9.7 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है उस समय वाले को, ओरिजिनल वाले को। तो आप इसने इसको रिड्यूस कर रहे हो, आप इसको कैसे, कि आज का 100.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है ड्राइंग का वो रिप्रेजेंट करेगा 100 इंटू 10 अपॉन 9.7 का स्क्वायर, यानी कि इतना एरिया ओरिजिनल बना होगा जब ड्राइंग बनाई होगी, जब ड्राइंग बनाई होगी तब इसका इतना एरिया रहा होगा 106.49। बस यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बेसिक्स का यूज करना है कि अगर ड्राइंग के ऊपर इतना एरिया है तो एक्चुअल में जो आपका फील्ड होगा उस पे कितना एरिया होगा। तो फील्ड पे फिर से आपने जो ओरिजिनल स्केल था वो आपने अप्लाई कर दिया, उस स्केल को आपने अप्लाई किया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है फील्ड के 10 मीटर को, तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो आपने 10 पुट कर दिया यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 10649 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग द करेक्टेड एरिया फ्रॉम अ मैप ऑफ श्रंक फैक्टर एफ। श्रंक फैक्टर की करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो वो किस पे रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया जो है, एरिया का श्रंक फैक्टर किस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमने यहाँ पे ये इन्वर्सली लिया ना हमने, 9.7 10 को रिप्रेजेंट करता है तो 10/9.7 आ गया, फिर आगे ये एरिया को हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एफ। फिर से बता देता हूं, श्रंक फैक्टर क्या था, 0.97 अपॉन आपने क्या कर दिया 10, यही था श्रंक फैक्टर, लेकिन हमने क्या किया 10/9.7 लिखा, कहां लिखा, यहां पे लिखा या नहीं लिखा बताओ, यहां लिखा है, ये लिखा है ना, तो जो एरिया मेजर करते हैं उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बेसिक क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी लेवलिंग है जिसके लिए आप क्या करते हैं, जब दो पॉइंट जो है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम क्या यूज करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द एनर्जी डिसिपेटेड इन द हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था आपसे, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, एनर्जी डिसिपेटेड इन हाइड्रोलिक जंप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, एज इट इज ये फॉर्मूला चूज करना है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट द बेस्ट वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर इरेगुलर एम्बैंकमेंट। इरेगुलर एम्बैंकमेंट के लिए सिम्पसन 1/3 रूल जो है ये परफेक्ट होता है। तो आज दोस्त अपने पास जितना समय था उसमें हम यही कर पाए। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जो भी हमारी क्लासेस हैं, जो भी हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे, कोई पीडीएफ है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है क्लास रिलेटेड, तो वो सारी आपको यहाँ पे इस पे मिल जाएगी, इस लिंक पे आप जा सकते हैं। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो आप फेसबुक पे sandeep.jyani.9 सर्च करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप sandeep.jyani सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं, आप कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो आप srsrjyani@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कल शाम को 5 बजे 5 PM किसी भी हालत में भूलिएगा मत, मैं टेलीग्राम पे भी आपको रिमाइंड करवा दूंगा, अपडेट कर दूंगा। 5 PM हम करने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टार्ट। आज बेसिक्स हमने पढ़े हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है तो आप वहां पे जाइए, संदीप जानी सर्च करिए अनअकैडमी ऐप के ऊपर, फॉलो कर लीजिए और वो क्लास जो है वो देख लीजिए, स्पेशल क्लास, फिर क्लिक करना है व्यू ऑल पे, सब दिख जाएगा आपको वहां पे। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिएगा जरूर। और कल लाइव क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा आइए, जितना लाइव आएंगे आप, जितना आप इंटरेक्ट कर पाएंगे उतना ही आप इंटरेक्ट करेंगे वहां पे, क्योंकि इंटरेक्शन जो है वो बहुत क्विक है वहां पे। एक बार आप अटेंड करके देखना, आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करना, नहीं लगता है तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई फीस तो आपसे ली नहीं जा रही। ऐप डाउनलोड करनी है, 1.5 GB का डेटा आपके पास वैसे ही मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा डेटा खर्च हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप सभी ने अपना बहुत बहुत कीमती समय हमारे लिए प्रोवाइड किया, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों फॉलो करना मत भूलिएगा अनअकैडमी ऐप पे, जब आप सर्च करें संदीप जानी तो आप सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी क्लास की अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलते रहें। आप जब भी प्रोफाइल मेरी सर्च करके देखेंगे वहां पे आपको क्लासेस के शेड्यूल भी दिख जाते हैं, किस समय कब कौन सी क्लास है, तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी क्लास जो है किस समय है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, अगर आपको एसएससी जेई की शुरू से शुरू तैयारी करनी है, या आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको रिवाइज करके तैयारी करनी है, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। आपको कैटेगरी जो चूज करनी है, गोल जो चूज करना है, वो एसएससी चूज करना है, और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप गेट एंड ईएससी के लिए एम कर रहे हैं, या फिर आप स्टेट के एई एग्जाम, जेई एग्जाम, आने वाले 1-2 साल में सारे एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप गेट एंड ईएससी कैटेगरी की तरफ आप जा सकते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोड यूज कर सकते हैं आप संदीप 11। कौन सा कोड यूज करेंगे आप? कोड यूज कर सकते हैं संदीप 11, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और एक्सेस मिलेगा उस पूरी कैटेगरी के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, भक्त सब ऊपर वाले के होते हैं। ठीक है, हम थोड़ा बहुत जो हमसे हो पाता है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है हम वो ट्राई कर रहे हैं, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है आप ट्राई कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप उस चीज़ में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चलो ओके। तो स्ट्रेन एनर्जी इन कोनिकल बार वो डिराइव करना पड़ेगा दोस्तों, आपको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो सो मच। जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होते हैं आप वीडियो खत्म होने के बाद हमें जरूर बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट सेशन में शाम को 10 बजे फिर मिलेंगे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर जो लास्ट 2 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए, और तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।